जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में वी ऑलरेडी डिस्कस आर टू मेजर टॉपिक्स दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड वॉट इज प्लेज राइट बेलमेंट और प्लेज दोनों ही एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं प्लस आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्लेज इज स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट ऑल्सो तो ये एक बेलमेंट ही होती है कॉन्ट्रैक्ट जैसी ही है राइट नाउ बेलमेंट पर हम ऑलरेडी सेशन कर चुके हैं प्लेज पर कर सके कर चुके हैं द स्टूडेंट्स ऑन द टॉप यू सी द फर्स्ट लिंक वेर यू कैन गो एंड वॉच कम्प्लीट डिटेल वट आर दार्टीज इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्स अंडर अलॉन्ग विद एग्जाम्पल एंड कमिंग टू द नेक्स्ट लिंक ऑन द टॉप यू सी इज अबाउट प्लेज जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है जिसका नाम हमने प्लेज दिया है इसमें पार्टीज को क्या बोला जाता है और प्लेज बेलमेंट से क्यों अलग है तो क्यों अलग है इसका आंसर आपको आज के सेशन में मिलेगा कि बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस होता है वाई वी नेम सर्टेन काइंड ऑफ बेलमेंट्स एज प्लेज वाई वी टर्म देम एज प्लेज क्यों वो बेलमेंट नहीं होती क्यों उनको एक स्पेशल कैटेगरी में डाला गया है कि वो प्लेज जैसी ही होंगी तो इसका डिफरेंस जानना जरूरी है बिकॉज नेट एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है कि बेलमेंट और प्लेज से रिलेटेड एक आपको एग्जाम्पल दे दिया गया था केस स्टडी सिचुएशन दी थी और उसमें पूछा गया था दिस टाइप ऑफ बेलमेंट इज वॉट तो वहां पर कई सारे ऑप्शन थे और उनमें आंसर था प्लेज तो इसलिए ये जानना जरूरी है बिफोर कमिंग टू द सेशन स्टूडेंट्स हेर वी हैव प्रोवाइडेड यू आर वेरियस वेज थ्रू विच यू कैन गेट इन टच विद अस कॉन्टेक्ट अस व्हाट्सएप अर्स ऑन दिस नंबर अगर आपको किसी को भी नोट्स की जरूरत है बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जानना चाह रहे हैं कि मैम हमें कोई पर्सनल नंबर आप अपना प्रोवाइड करीजिए जिससे हम आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकें और अपने नोट्स डाउट्स पर्सनल जो क्वेरीज हैं वो पूछ सकें तो दिस इज आर नंबर स्टूडेंट्स एंड दिस इज द मेल थ्रू विच यू कैन सेंड अस योर सजेशंस और क्वेरीज ऑल्सो सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज देखिए बेलमेंट और प्लेज का मीनिंग ही एक दूसरे को अलग बनाता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू तो अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस किसी पर्पस के लिए आप जब एक पर्टिकुलर पर्सन दूसरे पर्सन को अपना सामान दे रहा है वो एक बेलमेंट है पर्पस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आप अपनी सेफ कस्टडी के लिए रखवा रहे हो दूसरे पास के पास सामान या अभी आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए आपने उसके घर रखवाया तो ये कुछ पर्पजेज होते हैं वेर एज प्लेज में आपको एक ही पर्पज़ देखने को मिलेगा और वो क्या होता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अदर एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट कि आपने वो अपना पर्टिकुलर गुड्स दूसरे पर्सन को इसलिए दिए हैं क्योंकि उसको सिक्योरिटी चाहिए थी उसने आपको पैसे दिए हैं अब एक पर्सन जब दूसरे को पैसे देते हैं सिक्योरिटी में गिरवी में कुछ तो रखवाता है प्रॉपर्टी के कागज हो गए ज्वेलरी होगी या कोई ऐसी वैल्यूएबल थिंग तो वो प्लेज है ऑलरेडी वी डिस्कस दैट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देन टर्म्स एप्लीकेबल टर्म्स एप्लीकेबल मीन्स कौन कौन सी टर्म्स को हम बेलमेंट में यूज करते हैं और कौन कौन सी टर्म्स को हम प्लेज में यूज करते हैं सो द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स जो सामान देता है दूसरे पर्सन को अगर हम बेलमेंट के नजरिए से देखें तो उस पर्सन को बेलर बोला जाता है एंड द पर्सन जिसको वो सामान दे रहा है मीन्स रिसीवर ऑफ द गुड्स उसको बोलते हैं बेली एक एग्जाम्पल से समझे सपोज ए है और बी है ए को अपने किसी पर्टिकुलर आ, आ, रीजन की वजह से बाहर जाना पड़ गया तो उसने अपने डॉग को बी को दे दिया कि आप मेरे डॉग का ध्यान रखना मैं कुछ दिन बाद आ जाऊँगा तो जो अपना सामान दे रहा है वो होता है कौन बेलर और जिसको सामान दिया जाता है पर्पज़ के लिए वो होता है बेली वहीं अगर हम इसको प्लेज के नजरिए से देखें द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड जो सिक्योरिटी के तौर पर सपोज मैंने किसी से पैसे लिए और मैं सिक्योरिटी के अपने के तौर पर प्रॉपर्टी कागज या ज्वेलरी देने गई हूं तो मैं कौन होंगी एंड द पर्सन जिसको मैं सामान दूंगी वो पर्सन कहला जाता है पोनी देन पर्पज अब यहाँ पे पूछा गया क्या पर्पज होता है तो देखिए प्लेज का तो आपको पर्पज क्लियर हो गया क्या कि आपने वो गुड्स इसलिए डिलीवर किए हैं क्योंकि आप ने दूसरे पर्सन से कुछ कर्ज लिया है या आपको उसका कुछ काम करके देना है पेमेंट ऑफ डेट या फिर देर आर मल्टीपर्पज फॉर बेलमेंट आपने अपना सामान सेफ कस्टडी में रखवाना था आपको अपने सामान की रिपेयर करवानी थी जैसे आपने टेलर को क्लोथ ला दिया और वो आपको कुछ टाइम बाद उसको उसका आ, क्या बना के देगा ओवरकोट तो जब आपने क्लोथ किसको दिया टेलर को तो वो एक किस लिए दिया है क्योंकि आपने उसकी ऑल्ट्रेशन या आपने उसमें से कुछ न्यू प्रोडक्ट बनवाना है प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स करवाना है तो ये बेलमेंट होती है देन कंसीडरेशन कंसीडरेशन स्टूडेंट्स की बदले में आपको क्या मिलता है तो बेलमेंट में जब आप किसी को सामान देते हो वो कंसीडरेशन के तौर पर भी हो सकता है विदाउट कंसीडरेशन भी जैसे अभी दो एग्जांपल ही लेते हैं जो हमने इसी सेशन में डिस्कस किए हैं एक डिस्कस किया था ए को किसी रीजन से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ गया तो उसने अपने डॉग का ख्याल रखने के लिए बी के पास छोड़ दिया क्या बी को इन रिटर्न कुछ मिलेगा नथिंग इट्स जस्ट आउट ऑफ जेनरॉसिटी या आप ये कह सकते हो कि विदाउट कंसिडरेशन यहां पर राइट एंड नेक्स्ट इज जहां पर प्लेज दी जाती है मीन प्लेज में क्या जब आप पेमेंट कर रहे हो अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो किसी पर्सन को तो वो किस लिए कर रहे हो गिरवी के तौर पर क्यों क्योंकि आपने दूसरे पर्सन से डेट लिया है तो यहां पर आपको कंसिडरेशन देखने को मिलते थिंग बट बेलमेंट में स नॉन ग्रेचुचुअस दो तरीके की बेलमेंट है जो हमने डिस्कस किया था ऑन द टॉप यू सी द लिंक वेर वी डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ बेलमेंट जाइए वहां पे ग्रेचुचुअस और नॉन ग्रेचुचुअस को समझिए देन राइट टू सेल द गुड्स जो बेली होता है ही हैज़ नो राइट टू सेल द गुड्स अगर आपके पास सपोज करो एक पर्सन था जो किसी रीजन से बाहर गया वो अपना डॉग आपके पास छोड़ के गया है तो क्या आप उसके डॉग को सेल कर सकते हो नो इवन इफ आपके अगर आपको लग रहा है कि डॉग के बीमार हो गया था उसके खाने पिलाने में आपका ज्यादा खर्चा आया स्टिल आप दूसरे पर्सन से पैसा मांगोगे बट आप उसके सामान को बेच नहीं सकते बेलीज राइट्स आर लिमिटेड कि आप उस पर केस फाइल कर सकते हो उससे क्लेम मांग सकते हो उससे कंपनसेशन कह सकते हो कि मेरे ड्यूज का खर्चा दो ये सब रीजंस है लेकिन आप उसके सामान को सेल नहीं करोगे वेर एज वी सीन केस ऑफ प्लेज वहां पर पोनी के पास राइट होता है कि आपका सपोज जो डेट दूसरे पर्सन ने आपसे कर्ज लिया था वो ना चुका पा रहा हो या चुकाने में सक्षम नहीं है तो आप उसके सामान को जैसे आपके पास वो ज्वेलरी छोड़ के गए तो ज्वेलरी को बेच के अपना पैसा निकलवा सकते हो राइट देन लास्ट पर्टिकुलर डिफरेंस जिस जो दोनों के बीच में देखने को मिलता है क्या जो बेलमेंट में है बेली कैन यूज द गुड्स ओनली फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड जिस पर्पज के लिए आपके पास वो सामान के गए हैं आपने सिर्फ उसी के लिए उसको यूज करना है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नॉट अदरवाइज एंड वेयर एज प्लेजी में या पोनी कैन नॉट यूज़ द गुड्स आप उन दूसरे के पर्सन के गुड्स को यूज़ कर ही नहीं सकते उनको बस सिक्योरिटी के तौर पे रखिए नहीं आपकी सिक्योरिटी फुलफिल करी है डेट नहीं पे किया उसको बेच दीजिए बट यूज़ नहीं करना है सो दीज आर द वेरियस पॉइंट स्टूडेंट्स आई होप अब आपको बेलमेंट और प्लेज की एक क्लियर पिक्चर अपने माइंड में सेटल्ड हो गई हो और आपको पता हो कि क्या डिफरेंस होता है बेलमेंट को क्यों प्लेज नहीं बोला जाता कैसे ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्लेज एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बेलमेंट है With this, this session is over. We'll meet you in another session. Till then, keep watching, follow us on Telegram. You can mail us, contact us for any queries, any suggestions, and don't forget to subscribe. Have a nice day.